बढ़ते हैं खबरों में आगे और देखिए मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की से रेप और मर्डर केस के आरोपी संजय यादव के घर यूपी की तर्ज पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। हालांकि आरोपी फरार है और उसके धरपकड़ की कोशिशें तेज है। मुजफ्फरपुर में रेपिस्ट के घर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया है। यूपी सरकार की तर्ज पर यह कार्रवाई महादलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी संजय यादव के घर हुई। कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को पुलिस ने फरार चल रहे संजय यादव के घर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया, पर शनिवार को पुलिस ने आरोपी के घर को बुलडोज कर दिया। पुलिसिया कार्रवाई के दौरान भीम आर्मी और बीएसपी के भी कार्यकर्ताओं ने सभी आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करते हुए हंगामा भी किया। पुलिस जो है इस मामले में काफी सख्ती दिखा रही है, बेहद कम समय में जो है वह कुर्की जब्ती भी किया जा रहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे किस तरीके से भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भीम आर्मी और बसपा के लोग पहुंचे हुए हैं, जय भीम का नारा लगा रहे हैं। आरोपी जो संजय यादव है और उसके साथी उसको फांसी देने की मांग पर अड़े हुए हैं। कार्रवाई मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में की गई है। बताया जाता है आरोपी संजय ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। जब आरोपी कई दिनों तक पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा तो पुलिस ने न्यायालय में उसके खिलाफ इश्तेहार और कुर्की का आदेश मांगा। कोर्ट से आदेश मिलते ही पुलिस ने पहले आरोपी के घर पर ढोल नगाड़ों के साथ इश्तेहार चिपकाया और 12 घंटे के अंदर ही घर पर बुलडोजर चला दिया। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। आइए अब जरा बिहार में बुलडोजर वाले एक्शन को समझिए। देखिए नाबालिग दलित बच्ची के साथ हैवानियत हुई, रेप के बाद बच्ची की निर्ममता से हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी संजय यादव वारदात के बाद से फरार है और आपको बता दें कि उसके परिवार के लोग भी फरार हैं और उसके करीबी से पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल की जो वारदात है उसका गुस्सा भी शांत भी नहीं हुआ था कि इधर देखिए मुजफ्फरपुर में भी एक नाबालिग के साथ ऐसी बर्बरता की गई। कोर्ट ने आरोपी के घर की कुर्की जब्ती का आदेश दे दिया। इसके बाद पुलिस ने घर में इश्तेहार चिपकाया, आरोपी ने सरेंडर नहीं किया और उसके बाद फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। बीजेपी कहती है कि एनडीए राज में आरोपी पर कार्रवाई होती है, यूपी की तर्ज पर हैवानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। एनडीए के नेता विपक्ष को जवाब दे रहे हैं, कुकर्मी के घर तोड़े जाने को लेकर के अब लोग इसे सही ठहरा रहे हैं।